स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से दो देशों के बीच में संबंध बनते हैं बायोलैट्रन रिलेशनशिप बिटवीन टू कंट्रीज लेट से इंडिया एंड द यूएस इज डिपेंडेंट ऑन वॉट वॉट इज दट वन थिंग ऐसी कौन सी चीज है और क्या वो एक ही चीज है या एक से ज्यादा चीजें हैं जानेंगे आज के इस वीडियो में लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स मैं हूं आपका दोस्त एजुकेटर एडुकेटर में सर और आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी आई क्यू आई एस पर स्टडी आई क्यू आई एस भारत का सर्वश्रेष्ठ यूट्यूब प्लेटफॉर्म कम आई एस एग्जामिनेशन तैयारी का प्लेटफॉर्म है हमारे कोर्सेस आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन के लिंक में चेकआउट कर सकते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया कि भारत और अमेरिका के बीच में किस तरीके के संबंध है और उन संबंधों को कैसे सिमेंट करा जा रहा है किस तरीके से और उसका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करा जा रहा है इस बारे में हम चर्चा करेंगे और इसके लिए जो स्टेट विजिट थी मोदी जी द्वारा करी गई स्टेट विजिट अमेरिका में उसका विश्लेषण करेंगे और जितनी भी डील्स स्ट्राइक हुई हैं उन सब डील्स के बारे में चर्चा करेंगे तो मोदी इन अमेरिका तो मोदी जी का अपना अलग ही चाम है भाई चाम तो है कुछ भी कहो चाहे आलोचना करिए चाहे जो मर्जी करिए ही हैज स्पेसिफिक हीज टू हिमसेल्फ यू विल फाइंड ऑल द दीडीएफ ऑन माई टेलीग्राम हैंडल आयुष सांघीज आई एस अकेडमी एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टा एंड ट्विटर हैंडल्स टू फॉर वैल्यू एडेड कॉन्टेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ आई एस एग्जामिनेशन सो लेट सी वॉट मोदी बाइडन रिलेशनशिप स्टैंड फॉर तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई वॉशिंगटन डीसी में विजिट क्या रंग लाई और उसमें क्या क्या डील्स स्ट्राइक करी तो जैसा कि आपको पता है कि जब दो देशों के स्टेट हेड्स मिलते हैं तो जॉइंट स्टेटमेंट्स इशू दोनों देशों के अनाउंसमेंट्स करते हैं तो ऐसा ही एक जॉइंट स्टेटमेंट आया फॉलोइंग मीटिंग बिटवीन द इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड द यूएस प्रेसिडेंट दैट बोथ देयर एफर्ट्स दोनों देशों का जो फोकस है जो पूरा का पूरा एफर्ट है वो एकत्रित रहेगा टू डीपन बायोलैट्रल कोऑपरेशन की संगठित तरीके से आप आगे बढ़े एंड एनहैंस इकोनॉमिक टाइज इंक्लूडिंग ट्रेड रिलेशन तो याद है सवाल पूछा था वन थिंग वन थिंग वन थिंग क्या है जो सबसे जरूरी चीज है वो है इकोनॉमिक बेनिफिट जब तक आप आर्थिक तौर पे दूसरे का फायदा नहीं पहुंचाओगे तब तक वो आदमी आपसे रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करेगा देशों के बीच में या किसी के भी दो लोगों के बीच में जो रैपो रिलेशनशिप बनता है वो एक इसी पर बनता है। इज इकोनॉमिक टाइम्स फायदा किसका फायदा मेरा तो ठीक है हम साथ में हैं। फायदा ही नहीं है तो आपको लगता है जो बाइडन इतना वेलकम करते हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर को किया है तो कुछ फायदा तो देखा होगा अब वो फायदा किस रूप में देखा है ये डील्स के थ्रू आपको पता चलेगा जो भारत और अमेरिका के बीच इन दोनों स्टेट हेड्स के बीच साइन हुई है सबसे पहले आती है डील्स इन द टेक्नोलॉजी सेक्टर जैसा आप जानते हैं टेक्नोलॉजी को आज की डेट में विज्ञान को को वैज्ञानिकों और टेक्नोलॉजी को आप इग्नोर नहीं कर सकते किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डेवेलपमेंट जो कि टेक पे बेस्ड है उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता क्योंकि हर देश इस पर डिपेंडेंट है इसको लेकर कई सारी चीजों पे पैक्ट और अग्रीमेंट साइन किए गए हैं इसमें से पहला जो पैक्ट है वो साइन हुआ है इन ऑर्डर टू वो कंडक्टर की और उसकी सप्लाई चेन को बेटर करा जाएगा इस चीज पे पैक्ट साइन किया गया है देखिए ये ऐसी चीज है सेमी कंडक्टर्स आर यूज इन ऑलमोस्ट ऑल द इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड अक्रॉस वर्ल्ड तो ऐसा ही, ही एक ऐसी ही एक कंपनी है अमेरिकन कंपनी है माइक्रॉन टेक्नोलॉजी विद सपोर्ट फ्रॉम इंडिया सेमी कंडक्टर मिशन विल इन्वेस्ट इन सेमी कंडक्टर असेंबली यूनिट क्या आप उसे असेंबल करें एंड टेस्ट फैसिलिटी इन इंडिया ये बहुत बड़ी बात है चलिए मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही कम से कम असेंबली तो शुरू हुई अगर असेंबली शुरू हुई तो आगे चल के मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है ये एक सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट प्लांट गुजरात सिटी को गिफ्ट सिटी इन गुजरात में डेवलप करेंगे जिसमें इन्वेस्टमेंट आएगी तकरे बाईस हजार करोड़ रुपए की विच इज रफली 2.75 बिलियन डॉलर्स फाइव डॉलर जिसमें से माइक्रॉन तकरीबन सवा आठ सौ मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट जो है वो करने वाला है और बाकी जो है वो भारतीय सरकार से आएगा इन टर्म्स ऑफ सेटिंग अप द टेस्ट असेंबली यूनिट फॉर सेमी सेमीकंडक्टर के सिवा दूसरी जो चीज है जिसमें हमने पार्टनरशिप साइन करी है वो है सी एम पी क्रिटिकल मिनरल पार्टनरशिप बहुत जरूरी चीज है आज की डेट में जो मिनरल्स को कंट्रोल करता है वो मैक्सिमम चीजें मैन्युफैक्चर कर सकता है इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मिनरल्स की बात करी जाए तो डिपेंड करता है हम कौन से मिनरल्स की बात कर रहे हैं आर दोजनरिक मिनरल्स आर दोज रेयर अर्थ मिनरल्स खैर किसी भी तरह के मिनरल्स हो सारे ही मिनरल्स का आज की डेट में हर देश में मिलना नामुमकिन है कुछ कुछ कंट्रीज आर नेचुरली ब्लेस्ड विद मिनरल्स जिसकी वजह से ये क्रिटिकल मिनरल पार्टनरशिप जो है कुछ देशों के बीच में साइन होती है ताकि उसका ट्रेड हो सके कि आपके पास ये मिनरल है हमारे पास ये है तो आपस में आइए ट्रेड कर लेते हैं सो वी आर अ पार्टनर ऑफ द मिनरल सिक्योरिटी प्रोग्राम

उस चीज के बारे में ये बात हुई तो जब ये अग्रीमेंट बनाया गया तो 11 देशों से ये अग्रीमेंट शुरू हुआ था ये देश थे आप देखिए ऑस्ट्रेलिया कनाडा फिनलैंड फ्रांस जर्मनी जापान कोरिया स्वीडन यूके और यूएस इसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन तो पिछले साल एमएसपी इन 11 देशों के साथ या ग्यारह कंट्रीज के साथ जिसमें यूरोपियन यूनियन आता है तो ऑटोमेटिकली वो पैंतीस छत्तीस कंट्रीज हो जाती है इन सबके साथ साइन हुआ था और इन्हीं के समक्ष जो है क्रिटिकल मिनरल की सप्लाई चेन और ज्यादा इफेक्टिव हुई थी तो जब हम ये टर्म यूज करते हैं जैसा मैंने आपको बताया क्रिटिकल मिनरल, इसका मतलब ये होता है दैट इट इज असेंशियल टू दी इकोनॉमी के लिए जरूरी है और इस, इस, इस चीज की वजह से आपकी इकोनॉमी और बाकी की इकोनॉमी हाईली वनरेबल है मतलब ये ना होने की वजह से हम एक स्टैंड स्टिल पे आ सकते हैं या हम आगे डेवलप नहीं कर सकते वी आर इकोनॉमिकली वनरेबल एंड हाई ग्लोबल सप्लाई चेन रिस्क हम ग्लोबल सप्लाई चेन के रिस्क पे हैं दिस इज मिनरल इज मिनरल सोर्स बिकॉज ऑफ विच अ कंट्री कैन बी वनरेबल इस वजह से आपके पास इस चीज का सप्लाई होना चाहिए तो ऐसे कौन से मिनरल्स हैं? ऐसे कौन से मिनरल्स हैं जिनको क्रिटिकल मिनरल कहा जा रहा है मिनरल सच एज कोबाल्ट निकल लीथियम और सत्रह रेयर अर्थ मिनरल्स जो मैंने आपको बताया था क्योंकि रेयर अर्थ नाम ही है रेयर अर्थ रेयर अर्थ का मतलब है जो धरती में रेयरली पाए जाते हैं मतलब बहुत ज्यादा अबंडेंस में अवेलेबल नहीं है इस वजह से उनका सप्लाई चेन सेट होना और जरूरी है क्योंकि ये इकोनॉमी को वनरेबल कर सकते हैं विच इज वाई दे आर अ पार्ट ऑफ क्रिटिकल मिनरल तो क्रिटिकल मिनरल हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम में ऑलमोस्ट जितने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आप हम सब अपने आसपास देखते हैं उन सब में यूज होता है जैसे कि मोबाइल फोन में टैबलेट में एक्सेसरीज में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सोलर पैनल्स विंड टर्बाइन फाइबर ऑप्टिक केबल्स डिफेंस मेडिकल एप्लीकेशन तमाम चीजों में ये यूज करा जाता है वी आर टॉकिंग अबाउट मिनरल प्रोग्राम तो मिनरल प्रोग्राम में भी भारत ने अपनी एक्सेप्टेंस दी अब भारत भी इस ग्यारह के संगठन का पार्ट है तीसरी जो टीस टेक में हुई है दैट इज न्यू फ्रंटियर फ्रंटियर इन स्पेस स्पेस एक नया में साइन हुआ है या साइन हो चुका था पहले से इसका नाम है आटमीस अकॉर्ड आपने अपोलो 11 मिशन का नाम तो डेफिनेटली सुना होगा नहीं सुना है तो आपको सुना सुनना होना चाहिए मतलब उसमें कोई नई बात नहीं है आप सब लोग मतलब अज्यूम कर रहा हूं मैं

और उस आठवीं सपोर्ट के अंतर्गत यूएस अकेला ही ये ऑब्जेक्टिव नहीं या इनिशिएटिव नहीं ले रहा है ये काफी सारे देश मिलकर इनिशिएटिव ले रहे हैं सो दे एडवांस अ कॉमन विजन ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन काइंड इस काम के लिए स्पेस में फ्रंटियर्स है जिसको हम आर्टमी सपोर्ट कहते हैं जैसा मैंने आपको बताया अमेरिका अकेले ये काम नहीं कर रहा है इसके अलग अलग आठ फाउंडिंग मेंबर हैं। ये आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया कनाडा, इटली जापान लक्जमबर्ग यूएई, यूके एंड द यूएस ऑफ ए इक्वडोर वॉज ट्वेंटी आखिरी जो देश था वो था इक्वाडोर था इसके बाद भारत आर्टमी सपोर्ट का पार्ट बना है तो आप इस ग्लोबल मैप में देख सकते हैं कि कौन कौन से देश आर्टमी सपोर्ट का जो है पार्ट है ऑल द कंट्रीज इन रेड नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका ये यूरोपियन देश हुए नाइजीरिया सऊदी इंडिया ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड ये सारे देश जो है तो जैसा मैंने आपको बताया कि आर्टमी एक नॉन बाइंडिंग मल्टीलैटरल है बिटवीन यूएस गवर्नमेंट एंड अदर वर्ल्ड गवर्नमेंट पार्टिसिपेटिंग इन दिस प्रोग्राम तो इस प्रोग्राम के जरिए वो क्या चाहते हैं कि ह्यूम को एक एफर्ट के एक मतलब आप एक यू हैव टू मेक एन एफर्ट टू पुट ह्यूम बैक इनटू स्पेस और बैक ऑन टू मून टू थाउजेंड ट्वेंटी आप मून तक जाएंगे फिर उसके बाद मार्स तक जाएंगे और उसके भी आगे जाने के बारे में सोचेंगे भगवान जाने कौन जाना चाहता है लेकिन फिर भी यूएस का ऑब्जेक्टिव है तो कुछ सोच के उन्होंने ये चीज करी होगी फिर आती है कटिंग एज रिसर्च कटिंग एज रिसर्च इज लाइक स्लिक रिसर्च और स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के साथ आप ऐसी रिसर्च करें जो दुनिया में आज तक कहीं नहीं हुई है एंड दैट इज समिंग विच टेल्स हाउ वेल आर वी गोइंग टू फंक्शन इन फ्यूचर तो इस रिसर्च के जरिए कई सारे देशों ने फिर मिलकर ये ऑब्जेक्टिव यूएस के साथ साइन करा है थर्टी फाइव ज्वाइंट रिसर्च कोलेबोरेशन विद इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनके जरिए आप कोऑपरेटिव अरेंजमेंट करते हो विद इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेटी के साथ और ये दोनों डिपार्टमेंट्स आपस में मिलकर रिसर्च करेंगे दिस इज व्हाट दे आर प्लानिंग टू डू इसमें एक जो की टर्म है वो या की जो चीज हो रही है वो है इनोवेशन हैंडशेक देखिए आजकल फैशन चल चुका है स्टार्टअप का लोगों को बड़ा मजा आता है अपने आपको बोलने में कि स्टार्टअप फाउंडर सीओ सी टी ओ सीओ सी, ओ, सी ओ, ये सब जो टाइटल्स है यूज करने में मजा आता है अच्छी बात है उसी कारण लोग कम से कम सोचते हैं आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं स्टार्टअप इनिशिएटिव को और आगे बढ़ाने के लिए इनोवेशन हैंडशेक साइन किया गया है जो कि यूएस और इंडिया के बीच में मिला के एक ऐसी मुहिम है जिससे स्टार्टअप और ज्यादा प्रमोट होंगे सो टू सपोर्ट द यूएस इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी यूएस इंडिया कमर्शियल डायलॉग विल लॉन्च अ न्यू इनोवेशन हैंडशेक टू बेसिकली सपोर्ट कंट्रीज स्टार्टअप इकोसिस्टम तो इस फ्लैगशिप इनोवेशन इंडिया हैंडशेक के जरिए आप चाहोगे में कहा जाता है फैंग कंपनीज फेसबुक Apple, uh, Alphabet, गूगल ठीक है ये सारी कंपनीज है माइक्रोसॉफ्ट तो ये सारी की सारी कंपनीज, टेक जायंट्स जो हैं, ये भारत में आके अपने ऑपरेशन स्टार्ट करें इसके लिए भारत का जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो वेलकमिंग होना चाहिए एंड इंडियन इकोसिस्टम शुड बी टू सपोर्ट पीपल हु आर टू इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म इज इन्वेस्टमेंट इंडिया स्पेशली दीज टेक तो ये मोदी जी द्वारा दिया गया आश्वासन है इन्हीं सबको यहां पे पर नडेला साहब बैठे हैं और सुंदर पिचाई साहब भी डिनर पे गए थे टिम कुक भी गए थे काफी लोग गए थे मोस्ट ऑफ द पीपल हैड गॉन

डिफेंस सेक्टर में क्या किया है देखिए डिफेंस सेक्टर में भारत बहुत आगे है टॉप फाइव टॉप फोर कंट्रीज में आ चुका है बहुत चीजों में हम नंबर थ्री पे हैं स्पेस के बहुत सारे एक्सप्लोरेशन में हम नंबर वन पे हैं और मिलिट्री स्ट्रेंथ वगैरह में हम दूसरे तीसरे नंबर पे आते हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स रिस्पेक्टिवली अगर हम बाकी देशों से कंपेयर करें लेकिन जब कटिंग एज टेक्नोलॉजी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और Preparedness की बात आती है। बीमारी 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 हो जाने के के बाद ठीक ठीक हुए हुए? तो क्या से से। आप अपने आप अपने को को पहले करें उस को होने से, उस होने चीज लिए हमने डिफेंस में कुछ नई चीजें साइन करी हैं, कुछ नई चीजों का कोलैबोरेशन करा है तो पहली ऐसी in बड़े खूबसूरत इंजन मतलब मुझे पर्सनली डिफेंस में बहुत इंटरेस्ट है मैं ये चीज बता रहा हूं आपको

इट वुड इंक्रीज इंडियाज इंटेलिजेंस सर्वेलेंस रिकॉन केपेबिलिटीज ये सारी चीज इसके जरिए हो सकती है नाम है एम क्यू नाइन बी और इसके सिवा है न्यू सस्टेनमेंट एंड शिप प्रिपेयर बहुत जरूरी है देखिए वी आर ओवर डिपेंडेंट ऑन रशिया हालांकि रशिया ने कभी मना नहीं करा रशिया हैज बीन इंडियाज ओनली एंड द क्लोजेस्ट एलाय वेन इट कम्स टू द डिफेंस सेक्टर

और उस सारे सपोर्ट के साथ हम ओवर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते माइंड यू रशिया ने कभी भी इंडिया की काम में टोका टाकी नहीं करी है अब जो है हम शिप रिपेयर के लिए अपना जो यूनिट है स्टैब्लिश करने की बात कर रहे हैं जो कि बहुत जरूरी है क्योंकि आप अभी क्या होता है कि मोस्टली शिप रिपेयर इंडिया में भी होता है बड़े स्तर पे करना है तो आप दूसरे देशों में भेजते हो जहां पे ये सारी टेक्नोलॉजी फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है और स्किल है वहां से रिपेयर होकर चीजें वापस आती हैं मास्टर शिप रिपेयर अग्रीमेंट एम एस आर एल एन टी शिपयल्ली चेन्नई में हो रहा है क्योंकि बहुत अच्छी बात है इन ऑर्डर टू रिपेयर दीज शिप एट अ बिग स्केल इन इंडिया तो ये चीजें चल रही है दिस इज विद रिस्पेक्ट टू डिफेंस डिफेंस के तरफ यह चीज हो रही है अब आती है बात इंडियन डायस्पोरा पे ठीक है जो इंडियन सिटीजन बाहर रह रहे हैं उसके सवा जो इंडियन स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने जाते हैं और बाद में वही इंडियन स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद अमेरिका में नौकरी ढूंढते हैं और नौकरी करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स जो है वो टेम्प्रेरी वर्क वीजा पे होते हैं उस टेम्प्ररी वर्क वीजा को कहा जाता है मोस्ट कॉमनली उसे कहा जाता है एच वीजा और भी कई वीजाज होते हैं ओ कैटेगरी का वीजा होता है एल वीजा होता है मल्टीपल कैटेगरी जो मोस्ट कॉमन वो होता है एच वन बी वीजा जो कि ऑक्शन के जरिए इंडियन सिटीजन को या इंडियन प्रोफेशनल्स को जो बाहर नौकरी करते हैं उनको मिलता है एक सर्टन टेन्योर के लिए मिलता है और बार बार आपको वो रिन्यू करवाना पड़ता है अब प्रॉब्लम ये है कि जा, अगर वो वीजा रिन्यू नहीं हुआ तो उस वीजा के नॉन रिन्यूअल पे आपको वहां से डिपोर्ट कर दिया जाता है जाहिर सी बात है बिना वीजा के दूसरे कंट्री में कैसे रहोगे तो डिपोर्ट करके वापस इंडिया आ जाते हैं मेरी जान पहचान में खुद बहुत लोग जो है ऐसे इंडिया आए जिनका वीजा रिन्यू नहीं हो पाया अब उस चीज के लिए मोदी जी ने क्या सोल्यूशन निकाला है इस बारे में बात हुई सो वॉट वॉज वॉट वॉज स्पोकन डोमेस्टिक वीजा रिन्यूअल्स इसके बारे में बात हुई द स्टेट डिपार्टमेंट विल लॉन्च अ पायलट दिस ईयर टू एडजुडिकेट डोमेस्टिक रिन्यूअल्स Work work कैटेगरी का होता है एच वन बी एन एल होल्डर्स तो 2024 के लिए इन वीजा होल्डर्स के लिए यह चीज इंप्लीमेंट करी जा रही है तो एम इज टू ब्रॉडन द प्रोग्राम टू इंक्लूड अदर एलिजिबल कैटेगरीज और होगा क्या इट इज फॉर इंडियन नेशनल टू लीव द कंट्री आपको देश नहीं छोड़ना पड़ेगा For renewal in eligible categories. अगर आप एलिजिबल हो वीजा अपलाई करने के लिए तो यू डोट है कंट्री मतलब यह है कि बहुत हाई प्रॉबिलिटी है कि आपका वीजा रिन्यू हो जाएगा और आपको दोबारा से वीजा मिल जाएगा तो ये वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए एक बहुत अच्छा ब्रीदर है कम से कम तम इसकी तरफ जो है एक मुहिम तो शुरू हुई देखिए कोई भी चीज सर्टन एकदम से ऐसा नहीं है कि आज बोलो आज हो जाए ऐसा कभी नहीं होता है उस चीज को आपको नर्चर करना पड़ता है और बढ़ाना पड़ता है जिसकी तरफ ये कोशिश है एक साल है ये बेटर फंक्शन करा तो और कैटेगरी फिर धीरे कॉन्सुलेट का मतलब होता है एम्बेसी तो यूएस द्वारा इंडिया में नए नए शहरों में या मेजर शहरों में एस्टैब्लिश करी जाएंगी तो जिन शहरों में एम्बेसी पहले नहीं थी जैसे कि अहमदाबाद और बेंगलुरु बेंगलुरु में यूएस एम्बेसी होना मुझे पर्सनली लगता है बहुत जरूरत है क्योंकि बेंगलुरु के लोगों को वीजा का लेने के लिए या तो चेन्नई जाना पड़ता है या बॉम्बे आना पड़ता है बैंग, Bang बेंगलुरु में एम्बेसी नहीं है तो बैंगलोर और बेंगलुरु के बहुत लोग ट्रैवल करते हैं क्योंकि बेंगलुरु इज द स्टार्टअप हब हब कर्नाटका सदन कर्नाटका के बहुत लोग यूएस ट्रैवल करते हैं तो इस वजह से बेंगलुरु में एम्बेसी होना वुड बी अ वेरी रला Kerala. Kerala के लोग भी बैंगलोर आसानी से आ सकते हैं तेलंगाना के लोग भी आसानी से बैंगलोर आ सकते हैं तो उस वजह से बैंगलोर में एम्बेसी और अहमदाबाद तो वेस्टर्न पार्ट राजस्थान के लोग अहमदाबाद आ सकते हैं गुजरात के तो आएंगे ही एमपी के आ सकते हैं बॉम्बे जाने की वजह आप गुजरात जा सकते हैं और दूसरी तरफ जो है इंडिया ने बोला है कि हम अपनी एम्बेसी जो है बाहर खोलेंगे वील वी वी स्टार्ट विद कॉन्सनेट इन सियाटल लेटर दस्यू अनाउंसिंग टू न्यू कॉन्सुलेट इन दिस इज वॉट बीन डन उसके सिवा है स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम एंड स्कॉलरशिप ये तो एक बहुत ये इसको बोलते हैं सॉफ्ट डिप्लोमैटिक पार और सॉफ्ट पार जहां पे स्टूडेंट्स एक दूसरे एक देश के स्टूडेंट दूसरे देश में जाके वहां पे पढ़ाई करते हैं या एक्सचेंज प्रोग्राम्स पे जाते हैं टू पोर्ट्रे वॉट दे है इंडियन स्टूडेंट्स बहुत मैसेव क्वांटिटीज में यूएस जाते हैं हम चाहते हैं वहां के भी बच्चे यहाँ आके पढ़े और भारी क्वांटिटी में देखिए आते हैं पूरे पूरी दुनिया के बच्चे इंडियन यूनिवर्सिटीज में आके पढ़ते हैं साउथ इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज हैं वहां से बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि मेडिकल पढ़ते हैं आके मणिपाल यूनिवर्सिटी माइसोर यूनिवर्सिटी दे हैव अ फॉरेन कोटा इंटरनेशनल कोटा होता है और इंडियन यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी है बीटेक में जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें भी फॉरेन कोटा होता है तो उस फॉरेन कोटा के जरिए बहुत स्टूडेंट्स आके यहाँ पे पढ़ाई करते हैं तो उस पढ़ाई के जरिए जो है वो क्वालिफिकेशन लेके वापस अपने देश में जाके नौकरी कर सकते हैं तो उस कोटा के जरिए हम चाहते हैं और स्टूडेंट्स यूएस के स्टूडेंट्स इंडिया आए

देखिए इंडिया को धीरे धीरे अपने कल्चर की वैल्यू रिलाइज होना शुरू हुई है जो कि आगे चल के इंडिया को और ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि जब तक हम अपना कल्चर रिलाइज नहीं करेंगे हम ही अपने कल्चर की इज्जत नहीं करेंगे तो कोई दूसरा क्या करेगा सो कल्चरल प्रॉपर्टी यूएस एंड इंडिया आर कंटिन्यूइंग नेगोसिएशन फॉर कल्चरल प्रॉपर्टी अग्रीमेंट दैट वुड हेल्प टू प्रिवेंट इन ट्रैफिकिंग तो जितने भारत के आर्टिफैक्ट आपको जानकर आप हैं और वो यूएस में रहे होते हैं उसको बाद में इंडियन गवर्नमेंट डिप्लोमेटिक रूट्स के थ्रू जो है वापस कि भाई क्या कर रहे हो ये और इंडियन म्यूजियम से चोरी हो जाता है और थोड़े बहुत नहीं 1993 से लेके आज इंडिपेंडेंस से लेके आज तक

वीजा वीजा प्लस यू नो द स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम कल्चरल प्रॉपर्टी एटसेट्रा हैव बीन साइंड अब आते हैं पूरे ग्लोबल स्टेज पे ग्लोबल स्टेज का मतलब है पूरी दुनिया के सर पे भारत अमेरिका का क्या संबंध है किस तरीके का रैपो रिलेशनशिप हम शेयर करते हैं ये जो दो दिग्गज लीडर्स आप देख रहे हैं इनके बीच में ऐसा क्या डिसाइड हुआ है जो कि दुनिया को देखने को मिल रहा है बिकॉज़ अगर भारतीय प्रधानमंत्री वॉशिंग्टन डीसी व्हाइट हाउस जाते हैं बाइडन द्वारा उनके लिए स्टेट डिनर ऑर्गेनाइज कराया जाता है यूएस यूएन जनरल असेंबली में वो खड़े होकर भाषण देते हैं योगा डे पे वहां पर बैठ के योगा करते हैं तो ये पूरी दुनिया देख रही है ये सिर्फ अमरीका और भारत तक सीमित नहीं है दिस इज विजिबल टू दर वर्ल्ड सो इट इज नॉट जस्ट डिप्लोमसी बिट्वीन टू कंट्रीज इट इज अ ग्लोबल स्टेज डिप्लोमसी विच इज रू दिस इसके थ्रू रिलाइज हुआ जाता है तो अब आती है बात कि हम मल्टीलैटरल अग्रीमेंट्स में या मल्टीलैटरल स्टेज पे दूसरे देशों के अगेंस्ट या दूसरे देशों के काउंटर में हम क्या कर रहे हैं ये काम की चीज है इन ऑर्डर टू पोर्ट्रे सेल्फ एज अ कंट्री पोट्रेसे किसी को किसी पे आंख नहीं उठाएंगे लेकिन कोई उठाएगा तो उसे छोड़ेंगे भी नहीं तो वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एंड फॉर दैट वी हैव टू पोर्ट्रे तो इंडो पैसिफिक इंडो पैसिफिक में किस तरीके से भारत और अमेरिका ने अपनी

इंडिया विल कंटिन्यू टू पार्टिसिपेट एज एन ऑब्जर्वर इन पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक ये एक अलग इनिशिएटिव है जिसको आप बोल रहे हो इंडो इसका पार्ट यूएस बना है और दूसरा है पार्टनर्स इन द ब्लू पैसे तो अब ये देखिए ये है इंडियन ओशन और ये है पेसिफिक ओशन दिस इज दू एस ये नॉर्थ अमेरिका है और ये इंडिया है इंडो पैसेफिक में आप किस तरीके से एक्ट करते हो किस तरीके से आप इन वॉटर्स को यूज करते हो फॉर सिक्योरिटी ट्रेड जिससे कि इकोनॉमिक बेनिफिट हो उससे दोनों देशों को इकट्ठे ये बात समझनी पड़ेगी और इकट्ठे रहना पड़ेगा तो पार्टनर्स इन ब्लू पैसे क्या है एक ऐसा संगठन अमेरिका और उसके एलाइज के बीच में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जापान एंड यूके देव लॉन्च न्यू इनिशियेटिव पार्टनर्स इन ब्लू पैसेफिक फॉर इफेक्टिव एंड एफिशियंट कोऑपरेशन विदॉल आयलैंड तो उस रीजन में स्मॉल आइलैंड कौन से है भाई कौन से आइलैंड दिख रहे हैं आपको माइक्रोनेशिया पोलिनेशिया या आशियान देश की कितने देश यहाँ पे आइलैंड्स हैं प्लस यहाँ पे छुटपुट आइलैंड्स हैं इन सारे आइलैंड्स को किस तरीके से आप यूज कर सकते हो फॉर यू नो फॉर फॉर इफेक्टिव ट्रेड एंड फॉर इफेक्टिव सिक्योरिटी पर्पसेस अगर आपको पैसिफिक ओशन में कुछ करना है तो पानी में कैसे करोगे आपको जमीन तो चाहिए तो उसके लिए आइलैंड कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप होना जरूरी है सो यूएस एंड इंडिया विल होल्ड एन इंडियन ओशन डायलॉग बिकॉज दोनों देश एक दूसरे का पार्ट है

मतलब खैर कोशिश तो तीस चालीस साल से कर रहा है पिछले दस साल में मोदी जी ने इसकी पर्सनली बहुत कोशिश करी है हर स्तर पर जा जाके हर वर्ल्ड लीडर से चीन से अलग बात करी जी शिनपिंग से अलग बात करी रूस से अलग बात करी अमेरिका से अलग करी जर्मनी में आंजिला मर्कल से अलग करी यूके से अलग करी फ्रांस से अलग करी सिक्योरिटी काउंसिल के सारे मेंबर्स के साथ परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर्स के साथ सबके साथ बात करी कि भाई आप भारत को सपोर्ट करें ताकि भारत सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप हासिल कर सके प्रॉब्लम यह है कि सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स में से मेंबर्स के पास वीटो पावर होती है, तो अगर में से एक में अरे बताओ भाई कौन है सो यूएस सपोर्ट इंडिया एंड दिस इज एन अनकंडीशनल अग्रीमेंट्स में सिक्योरिटी काउंसिल एक चीज है और जितने ग्लोबल अग्रीमेंट्स है

एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट नवंबर 2023 में तो ये सारी की सारी चीजें हमें ग्लोबल गवर्नेंस के स्टेज पे सेट करती हैं अब थोड़ी बहुत चीजें हेल्थ पे भी हमने करी है जो तो, तो का जो सीडीसी है सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और बाकी जो संगठन है जैसे इंडिया के आईसीएमआर हो गया मेडिकल काउंसिल हो गया तो यूएस नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट विल फॉस्टर कोलैबोरेशन बिटवीन यूएस एंड इंडियन साइंटिस्ट फ्रू टू न्यू ग्रॉन्स टू डेवलप एन ए पैथोलॉजी प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्मोलॉजी थे आप बेसिस पे आप बेनिफिट लो एआई बेस्ड ऑटोमेटेड रेडियो थेरेपी ट्रीटमेंट फॉर कैंसर ऑफ सर्विक्स हेड एंड नेक इन सारी चीजों के लिए रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट जो है करना है ये दोनों देश मिलकर करेंगे उसके सवा इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज एंड डाइजेस्टिव एंड किडनी डिजीजेस इन्होंने भी एक अग्रीमेंट साइन करा है आईसीएमआर के साथ वो बेसिक क्लिनिकल एंड ट्रांस ट्रांसनेशनल रिसर्च ऑन डायबिटीज ये चीजें जो है करी जा रही है तो इसके मतलब इतनी सारी चीजें हुई हैं दोनों देशों के बीच में जो संगठन हुआ है जो स्पेसिफिक बढ़, बढ़ावा मिल रहा है संबंधों को वो इसके बेसिस पे मिल रहा है एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आतंकवाद टेररिज्म के खिलाफ आप सारी कंट्री सब मिलके फाइट कर रहे हैं पाकिस्तान भी आतंकवाद फाइट कर रहा है देखा जाए तो तो जॉइंट स्टेटमेंट रीइटरेटेड दैट यूएस एंड इंडिया स्टैंड टू काउंटर ग्लोबल टेररिज्म एंड अनइक्विवोकली कंडेम टेररिज्म एंड वायलेंट एक्सट्रीमिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस सारे फॉर्म्स और मैनिफेस्टेशंस में ये काम जो है ये किया जाएगा तो इसी चीज के लिए आप सबको काउंटर भी करोगे जितने मिलिटेंट ग्रुप्स हैं एंटी इंडिया एंटी यूएस अलकायदा आईस एस देश लश्कर एबा जैश ए मोहम्मद हिजबुल मुजाह -मुझाहिदी, मुजाहिदीन तो ये है प्लस यूएस वुड कंडेम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म क्योंकि वहां से बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में अटैक्स होते हैं द यूज ऑफ टेररिस्ट प्रॉक्सीज एंड कॉल्ड ऑन पाकिस्तान टू टेक इमीडिएट एक्शन टू इन्श्योर दैट नो टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल इज यूज फॉर लॉन्चिंग टेररिस्ट अटैक्स क्योंकि पाकिस्तान को आप यूज करोगे भारत के खिलाफ एक्शन लेने के लिए तो छब्बीस ग्यारह भी ऐसे ही हुआ था और आने आसपास वाले सारे अटैक्स इसी तरीके से किए गए थे जो भारत की आर्मी बेस पे अटैक हुए हैं चाहे वो उड़ी में हुआ है या पुलवामा में हुआ है इसी तरीके से हुआ था तो उन सारी चीजों पर रोक लगाने के लिए एटलीस्ट वी हैव अ पार्टनर हु स्पीकिंग अगेंस्ट पाकिस्तान इतने सालों में यूएस को पहली बार समझ में आया है या उसने बोलना शुरू करा है दैट इंडिया इज नॉट द कल्परेट पाकिस्तान वरना यूएस हमेशा प्रो पाकिस्तान बोलता था तो ये सारी की सारी अचीवमेंट्स है ये छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती हैं संबंधों को बढ़ाने में और ग्लोबल स्टेज पे इंडिया की इमेज सेट करने के लिए और आखिरी मैं आपको ये बता दूं कि भारत बहुत जल्द चौथी बड़ी सब सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है दो से पहले पहले भारत फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड हो जाएगा तो आई होप आपको पसंद आया होगा ये पूरी तरीके से पूरा विश्लेषण है भारत अमेरिका के बीच में जो भी डील्स साइन हुई हैं राष्ट्रपति बाइडन और प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच में उसको हमने उसको हमने यहाँ पे स्टडी करा एनालाइज करा और इसके साथ साथ आपको यह भी बताया कि उन डील्स का भारत को क्या फायदा होगा इस पी को डाउनलोड करने के लिए जुड़े मेरे टेलीग्राम हैंडल आयुष सांघी जायस अकेडमी के ऊपर और फॉलो करें मुझे अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स पर for better preparation of your examination that would be all for today thank you so much bye everyone take care and all the best study iq is Ab hui affordable